हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ HSAB चैप्टर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा था कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं सॉफ्ट एसिड, सॉफ्ट बेसिस और हार्ड एसिड्स, हार्ड बेसिस के। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो साइंटिस्ट ने इन टर्म्स को गवर्न किया था, दैट वाज पियर्सन। सो पियर्सन ने एक प्रिंसिपल दिया था, दैट वाज नोन एज पियर्सन HSAB प्रिंसिपल। सो इस प्रिंसिपल में पियर्सन ने कहा क्या, पियर्सन सेड दैट हार्ड एसिड्स प्रेफर टू बॉन्ड विद हार्ड बेसिस एंड सॉफ्ट एसिड्स प्रेफर टू बॉन्ड टू सॉफ्ट बेसिस। तो ये बहुत इजीली चीज है, इसको सिंपल से याद कर लो कि हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ कंबाइन करेगा, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ कंबाइन करेगा। मेन थिंग इज इसकी हमें एप्लीकेशंस चाहिए कि ये काम कहां पर आ रहा है, उसी के बेस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमें पियर्सन का प्रिंसिपल कभी भी नहीं पूछते, पर लेकिन ये पूछेंगे भी तो ये सिंपल सी लाइन है, ये तो इजीली याद हो जाएगी, पर लेकिन ये कहां यूज हो रहा है, इसकी एप्लीकेशंस का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट अस स्टार्ट विद द एप्लीकेशंस ऑफ HSAB प्रिंसिपल। सो यहां पर पहली एप्लीकेशन पियर्सन ने क्या बताई, दैट वॉज स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। जनरली देखो कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, जैसे एक हमारे पास लुइस एसिड था, लुइस एसिड वो कंबाइन करता है एक लुइस बेस के साथ टू गिव अ स्टेबल कॉम्प्लेक्स, ऐसे ही होता है। अब यहां पर अगर एक सॉफ्ट एसिड लाइक मैं सपोज करूं Ag+ एक सॉफ्ट एसिड एक सॉफ्ट बेस के साथ कंबाइन करे, सॉफ्ट एसिड प्रेफर टू बॉन्ड विद सॉफ्ट बेस, सो यहां पर हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स बनेगा दैट विल बी अ सॉफ्ट सॉफ्ट कॉम्प्लेक्स, राइट। सो दिस विल बी अ स्टेबल कॉम्प्लेक्स। जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में पियर्सन का प्रिंसिपल फॉलोड होगा वो हमारा स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। सिंपल, इस कॉम्प्लेक्स में हमारे पास यहां तो दोनों ही सॉफ्ट होने चाहिए या फिर दोनों ही हार्ड होने चाहिए अकॉर्डिंग टू पियर्सन्स प्रिंसिपल। यहां पर हम एक और एग्जांपल लेके देख सकते हैं, जैसे ये सिल्वर आयन ही है, समझ लो सॉफ्ट एसिड है, सिल्वर आयन सॉफ्ट एसिड। अब इसे मैं कंबाइन करवाऊं विथ फ्लोराइड आयन तो ये हमें क्या देगा, AgF2-, मतलब यहां पर हमारे पास ये क्या था, एक हार्ड बेस था। अगर हमारे पास सॉफ्ट और हार्ड का कॉम्प्लेक्स आ जाए सो दैट विल बी एन अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स। यही चीज हमें मेन समझनी है पहले एप्लीकेशन में, जो पियर्सन को फॉलो करेगा वो स्टेबल, जो नहीं फॉलो करेगा वो अनस्टेबल। अब इसी प्रिंसिपल के बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, सो लेट अस सॉल्व द क्वेश्चंस। सो द क्वेश्चन इज दैट कि ये रिएक्शन हमें दी हुई है, वो पूछ रहे हैं कि क्या ये रिएक्शन फिजिबल होगी अकॉर्डिंग टू पियर्सन प्रिंसिपल। सो हमें पहले ये चेक करना होगा कि कौन सा हार्ड है कौन सा सॉफ्ट है। सो उस हिसाब से अगर हमारे रिएक्टेंट्स में अनस्टेबल कंपाउंड्स हो सो इट इज वेरी गुड फॉर अस, क्योंकि रिएक्टेंट में अगर अनस्टेबल होगा तो वो फटाफट से टूट जाएगा और वो एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना देगा। सो यहां पर हम देखते हैं लिथियम आयन क्या है, एक अल्कली मेटल आयन, सो इट इज अ हार्ड एसिड, राइट। और आयोडाइड क्या है, एक सॉफ्ट बेस बिकॉज इट इज अ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन। सो यहां पर सीजियम क्या है, एक सॉफ्ट एसिड बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज, एंड फ्लोराइड क्या है, एक हार्ड आयन बिकॉज इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो यहां पर हमने सिंपली लिथियम जो है वो फ्लोराइड के साथ हार्ड और हार्ड कंबाइन करके, हार्ड हार्ड कंबाइन करके का सिंपल मतलब है कि ये रिएक्शन चलेगी, दूसरे को चाहे देखो चाहे ना देखो दूसरे में भी सॉफ्ट सॉफ्ट कंबाइन कर रहे हैं, सो दिस रिएक्शन इज फीजिबल, राइट। देखो कितना इजी हो गया हमें क्वेश्चन सॉल्व करना। अब नेक्स्ट एग्जांपल भी देख लेते हैं। अब इस एग्जांपल में उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है,
क्वेश्चन आप सुन के फटाफट ध्यान से सुनिए क्वेश्चन क्या है. द क्वेश्चन सेज दैट विल द रिवर्स ऑफ दिस रिएक्शन बी फेवर्ड. क्या इस रिएक्शन का जो ये रिएक्शन हो रही है इसका रिवर्स फेवर होगा. सो अब हम देख लेते हैं कि ये प्रोडक्ट्स क्या स्टेबल है. सो यहां पर क्या है, ये कॉपर क्या है, हार्ड आयन, क्योंकि कॉपर टू पॉजिटिव है. सो हार्ड एंड दिस आयोडाइड इज सॉफ्ट. सो यहां पर अनस्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब हमारा ये रिएक्टेंट है वैसे इस रिएक्शन के लिए, बट लेकिन हमें क्वेश्चन के हिसाब से ये हमारा प्रोडक्ट है. सो दिस इज अनस्टेबल, सो दैट इज वाई अवर रिएक्शन विल बी नॉट फिजिबल. बट हम देख लेते हैं क्या ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में फिजिबल होगी. सो ये देखो अनस्टेबल है, ये भी यहां पर कॉपर क्या है, यहां पर कॉपर हमारा सॉफ्ट की तरह बिहेव करेगा. क्यों? क्योंकि यहां पर कॉपर पॉजिटिव है. अब देखो यहां पर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 1+1. यहां पर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2. सो हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट हार्डर विल बी द एसिड. सो यहां पर सॉफ्ट एंड हार्ड का कॉम्प्लेक्स है. सो यहां पर क्या बन रहा है, ये कॉपर डाई पॉजिटिव मतलब हार्ड, हार्ड का कॉम्प्लेक्स बन रहा है एंड ये सॉफ्ट, सॉफ्ट का कॉम्प्लेक्स बन रहा है. कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कॉपर पॉजिटिव. सो यहां पर ऐसे भी हो सकते हैं कि आपको सेम एलिमेंट या हो उसकी हार्ड एंड सॉफ्ट आपको चेक करना आना चाहिए बाय फॉलोइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स. सो एक बार प्लीज मेरी वीडियो दोबारा देखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो आपको इसकी प्रॉपर जानकारी होगी. तो ये रिएक्शन में हम देख सकते हैं दैट दिस द रिवर्स ऑफ दिस रिएक्शन इज नॉट फेवर्ड बट द फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड बिकॉज फॉरवर्ड में हमारे पास हार्ड हार्ड और सॉफ्ट सॉफ्ट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, राइट. सो हम थर्ड एग्जांपल भी देख लेते हैं. सो अब हमें रिएक्शन दी हुई है बेरिलियम डाइफ्लोराइड, मर्क्यूरिक आयोडाइड, मर्क्यूरिक फ्लोराइड प्लस बेरिलियम डाई आयोडाइड. सो यहां पर हम देखें कि यही रिएक्शन, उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है दैट विल दिस रिएक्शन बी फेवर्ड. सो हम देख लेते हैं कि ये रिएक्शन फेवर्ड होगी कि नहीं. ये बेरिलियम क्या है, एक अल्कली मेटल है. सो it will be, sorry, it is alkaline earth metal, so it will be hard acid. So fluoride ion is hard. So here Hg2+ is there, so it is soft acid. Iodide is soft base, so it is forming soft hard complex. So हमें ये पता चल रहा है soft hard बन रहे हैं, तो it is unstable. So यहां पर भी hard soft बन रहा है, sorry, hard soft. So, ये सारी रिएक्शन क्या है, अनस्टेबल है. यहां पर मैं एक इंपॉर्टेंट नोट लिख रहा हूं, सो लेट अस नोट दिस नोट. सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड लिगेंड्स और सॉफ्ट लिगेंड्स, हार्ड या सॉफ्ट के कॉम्बिनेशन विद द मेटल आयन इज मोर प्रेफरेबल, ये ज्यादा प्रेफरेबल होगा दैन अ कॉम्बिनेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट लिगेंड्स. कि अगर दो हार्ड, एक हार्ड कंबाइन कर रहा है एक सॉफ्ट कंबाइन कर रहा है, इससे ज्यादा प्रेफरेबल क्या होगा कि दोनों ही हार्ड कंबाइन करें या दोनों ही सॉफ्ट कंबाइन करें. बात वही है पर लेकिन क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप के आ जाएंगे. तो मैं यहां पर एक एग्जांपल दे रहा हूं. सी यहां पर क्या है, इस कॉम्प्लेक्स में नाइट्रोजन बॉन्ड कर रहा है और फ्लोराइड आयन बॉन्ड कर रहा है. ये हमारा क्या है, एक सेंट्रल मेटल आयन. यहां पर दोनों ही हार्ड लिगेंड्स है और यहां पर एक हार्ड है और आयोडाइड क्या है, एक सॉफ्ट लिगेंड है. सो दिस विल नॉट बी स्टेबल, so it is unstable and this will be stable. So ये हमें ये कुछ इस तरीके के questions भी पूछे जाएंगे. so आपने इस चीजों को याद रखना है. अब हमने first application को पूरी अच्छी तरह over कर दिया है. let us start with the next application, that is prediction of coordination in complexes of ambidentate ligands. देखो यहां पर हमारे पास एम्बिडेंटेड लिगेंड का मतलब क्या है, व्हाट इज एम्बिडेंटेड लिगेंड. हमें ये पहले पता होना चाहिए कि एम्बिडेंटेड लिगेंड होता क्या है. एम्बिडेंटेड लिगेंड की डिफाइन लिख रहा हूं, इट इज अ मोनोडेंटेट लिगेंड. मोनोडेंटेट लिगेंड मतलब वो लिगेंड जो है वो एक ही एटम से बाइंड कर सकता है. मोनोडेंटेड लिगेंड which can coordinate with more than one coordinating atoms. So that is ambidentate ligand, जो कि
अपना एक से ज्यादा कोऑर्डिनेटिंग एटम्स के साथ लिंक कर सकता है. लाइक आई कैन टेक द एग्जांपल ऑफ थायोसाइनाइड SCN नेगेटिव डाई नेगेटिव. सो थायोसाइनाइड आयन में होता क्या है, थायोसाइनाइड में हमारा जो एटम है वो सल्फर भी कंबाइन कर सकता है, नाइट्रोजन भी कंबाइन करता है, पर लेकिन एक ही एटम एक टाइम पे कंबाइन कर सकता है. सो दैट इज एन एम्बिडेंटेड लिगेंड, सो इट कैन कंबाइन थ्रू नाइट्रोजन और सल्फर लाइक साइनाइड आयन. सो इट कैन बी आइसोसाइनाइड ऑल्सो, लाइक इट कैन कंबाइन थ्रू कार्बन और नाइट्रोजन ऑल्सो. सो दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ एम्बिडेंटेड लिगेंड्स. सो अब हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा लिगेंड किस एटम के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, ये भी हमारा HSAB प्रिंसिपल बता देगा. लाइक मैं यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स लिखता हूँ, लेट अस सी. अब यहाँ पर मैंने दो स्टेबल कॉम्प्लेक्स लिखे हैं. व्हाई दीज आर स्टेबल, यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारे पास कोबाल्ट आयन होता है, दैट CO2 पॉजिटिव आयन, दैट इज अ हार्ड एसिड, ठीक है. और जो हमारा नाइट्रोजन एटम है जिसके साथ ये कंबाइन करे, दैट इज ऑल्सो अ हार्ड बेस. नाइट्रोजन इज अ डोनर एटम ऑफ हार्ड बेस. सो ड्यू टू दिस, अकॉर्डिंग टू Pearson प्रिंसिपल, दिस इज स्टेबल. इन द नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स पैलेडियम आयन, दैट इज अ सॉफ्ट एसिड, राइट. एंड सल्फर इज अ डोनर एटम ऑफ सॉफ्ट बेस. सो एज सॉफ्ट सॉफ्ट आर कंबाइंड, सो दिस कॉम्प्लेक्स इज ऑल्सो स्टेबल बाय द एम्बिडेंटेड लिगेंड. बट इफ आई राइट अ कॉम्प्लेक्स नाइट, आई कैन से दैट PDNCS4 2 नेगेटिव पैलेडियम आइसोथायोसाइनाइड, राइट. सो दिस कॉम्प्लेक्स इज अनस्टेबल. व्हाई इट इज अनस्टेबल, बिकॉज यहां पर हमारे पास क्या है, पैलेडियम आयन जो है, कि पैलेडियम आयन इज अ सॉफ्ट एसिड बट नाइट्रोजन इज अ हार्ड बेस. सो दैट इज व्हाई इट इज अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स. सो आई हैव डिस्कस्ड टू ऑफ द एप्लीकेशंस एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस द रिमेनिंग एप्लीकेशंस ऑफ द HSAB principle. Thanks for watching and do subscribe my channel for more videos.